अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द उस्मानिक्स व्लॉग। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो अभी असर के बाद हम असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी फ़ोटोग्राफी करने आए हैं, नहा धो के तैयार हो के न्यू कपड़े पहनकर। मेरे साथ मेरा भाई है, ये रहा उसामा फ़ोटोग्राफ़र। बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं, अभी तक दो ली हैं और भी पिक्चर्स लेते हैं। ये पिक्चर्स देखनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स आई हैं और भी हम लेते हैं। इसके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखो, इसकी पिक्चर्स देख के आप इसके फैन हो जाओगे। उसामा, वो नीचे यूज़र नेम शो हो जाएगा, यूज़र नेम आपको शो हो जाएगा इसका। तो अभी इधर से पिक्चर्स लेते हैं, फिर दोस्त आ रहे हैं, कुछ प्लान है हमारा बाहर गैदरिंग करने का, फिर वो भी सीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने आपको लोकेशन नहीं दिखाई जिस जगह हम शूट करने आए हैं, पहली जगह तो शूट कर लिया, दूसरी जगह ये गेट है, इसके आगे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। बाकी एक दो पिक्चर्स यहाँ पे ली हैं, वो भी बहुत अच्छी आई हैं। तो यहाँ पर चेक कर लो कैसा अच्छा लुक आएगा गेट के आगे। आप बस इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आपको पता चल जाएगा हमारी फ़ोटोग्राफी का। तो यहाँ पर पिक्चर्स लेते हैं, फिर लेके फिर चलते हैं, फिर आपको और दूसरी लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, फिर सीधा हम जाएंगे कुछ गैदरिंग जो भी करेंगे दोस्तों के साथ उस जगह पे जाएंगे। तो भाई दोस्त आ चुके हैं, ये देखो ये एक आया है, बाकी इस होटल में बैठे हुए। तो अभी वो कुछ खाएंगे पिएंगे उनके साथ, वो थोड़े ऐसे दोस्त हैं वो व्लॉग नहीं बनवाते। इस होटल में आए मेज़बान होटल एंड रेस्टोरेंट, एक अच्छा होटल था लेकिन मिर्ची आ गया तो उसका रुझान कम हो गया। होटल में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, ये शीशा ना जो इनका बड़ा अच्छा है, पिक्चर्स वगैरह भी अच्छी आती है। ये जा रहा है मेरा दोस्त, लग रहा है वो छत पे बैठे हुए हैं, अभी छत पे हम जा रहे हैं आस्ते आस्ते, ये ऊपर बैठे हैं, उनसे मिलते हैं, वो व्लॉग नहीं बनाने देंगे मुझे, देखते हैं क्या सीन होता है। बिल्ली चेक करो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी बिल्ली है। भाई ऊपर आके अभी बैठ गए हैं सब दोस्त, ये चेक करो इधर पे बैठे हैं। और ये एक मिर्ची रेस्टोरेंट है जिसपे सेकंड डे पे व्लॉग बनाया था, वहाँ से बिरयानी लेने जा रहे हैं। अपनी अपनी डिमांड है सबकी, बिरयानी लेने जा रहे हैं, क्या आप कहोगे इसमें? आई वॉन्ट टू हैव बिरयानी, बस सुन लिया इसका, बिरयानी लेने जा रहे हैं वहाँ पर। भाई अभी ऑर्डर लेने आए तो फिर ऑर्डर आ जाए, फिर आपको दिखाता हूँ। भाई यहाँ का माहौल चेक करें, बहुत अच्छा माहौल है, ये सांगड़ शहर है पूरा। नीचे हम तीसरी मंजिल पर बैठे हुए, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए और हम छत पर बैठे। यहाँ पर बैठने का अपना ही मज़ा होता है, खुली हवा में, खुले आसमान में, सामने चांद नज़र आ रहा है और एक तारा नज़र आ रहा है, ये तारा है ये चांद है, और खाने का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर कचहरी चल रही है, बातें चल रही हैं। भाई हमने जो टिक्के मंगाए थे वो टिक्के पहले आ चुके हैं, लेकिन वो दोस्त अभी तक गए हैं बिरयानी लेने, तो दिल कर रहा है खा लें, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्योंकि खाने को सब वेट नहीं कराना चाहिए। भाई पैसे पूरे हैं भाई, बेहतरीन, दिल कर रहा उनके उनके आने से पहले खा लें। तेरा दिल कर रहा उनके आने से पहले खा लें? मेरा तो दिल कर रहा यार, खाना जब सामने आए तो बंदा खा ले, सबर नहीं कराना चाहिए। गरम गरम ठंडे भी हो जाएंगे, देखते हैं अभी सोचते हैं। भाई पानी भी ख़त्म हो गया, टिक्का भी हमने खा लिया, ये अभी पहुँचे हैं बहुत लेट, मेरा दिल कर रहा था दूसरा भी खा लिया, बिरयानी लेके आए, ये बोल रहे एक और मंगवाओ, ठंडा हो गया बिल्कुल, खा के चेक करो। तो भाई खाना आ चुका है, बकरा मुर्गी, और ये हमारी बिरयानी खुल रही है, फैसल भाई खोल रहे हैं, चेक करो भाई हमारी बिरयानी क्या बिरयानी है, मज़ा आ गया। ऊपर मसाले रखे हुए हैं और नीचे वाइट चावल है, तो से वाली बिरयानी है। भाई अभी खाना स्टार्ट हो गए, जायका तो मैं आपको बता नहीं सकता, जायका इधर का अच्छा ही होगा। ये भाई थोड़ा सा व्लॉग में नहीं आना चाहता। तो बाकी डिश हमने मंगा ली है, इसमें बिरयानी डालेंगे, बिरयानी भी खाएंगे, तो ये सब कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो भाई आज है ईद का चौथा दिन, मेरे साथ मेरा दोस्त आया हमाद भाई, गाड़ी लेके बोलता है चाय पीनी है होटल पर जाके। होंडा का शोरूम खुला है, तरक्की कर रहा है सांगड़, देखो कितना अच्छा शोरूम है ना, तरक्की हो रही है ना माशाल्लाह, सांगड़ में बहुत तरक्की हो रही है, अभी लग रहा है कुछ जिला है। ये भाई तालके से आया है लेकिन सांगड़ की बेइज्जती करता है हमेशा, होता इधर कुछ भी नहीं है। तो इधर पे जमाली होटल सांगड़ का बहुत पुराना और सबसे मशहूर होटल ये है जमाली, बहुत नाम सुना है सांगड़, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं जमाली का, देख ले पंप के साथ है बस ये होटल है। यहाँ पे चाय पीते हैं, देखते हैं इधर की चाय बहुत अच्छी होती है। फिर असर के बाद ये दोस्त आ गया था, सोया हुआ था, सोरी मुझे उठाया और अभी लेके आया, लेने आया है भाई।
तीन चाय का बोला है। छोटू क्या नाम है? क्या बोल रहा है? शर्मा गया छोटू हमारा। छोटू शर्मा गया, मेरे को लग रहा है ये ना मालिक का बेटा है, एक्सपीरियंस लेने आया है यहाँ पर। ये सामने देखो ये मालिक बैठा हुआ। तो माहौल चेक करो, इन होटलों का माहौल बहुत अच्छा होता है, चाय पीने में मज़ा आता है। इस होटल पे हमने बहुत खाना खाया, चाय अच्छी होगी यहाँ की इंशाल्लाह। अच्छी पहले भी है माशाल्लाह चाय। VIP कड़क चाय भाई, हमारी कड़क चाय आ गई है। दो लेके आया, वो समझा हमने दो बोला था। अभी हम बैठे भी यहाँ पे दो बंदे, एक वो थोड़ा दूर था अंदर गया, वो परेशान हो गया तीसरी चाय का भी। उसको बोला, बोलता तीसरी किसके लिए मंगा रही है? फिर मैंने कहा कि आपको पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर अभी भुट्टो जिंदा है, तो भुट्टे को इधर कहीं बैठा हुआ है, देखा वो पिएगा, फिर वो तीसरी चाय लेने गया। चेक करो भाई, होटल वाले खुद बकरे पालते हैं फिर इन्हीं को काटते हैं। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह चाय वगैरह पी ली, अभी उठ गए, अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये हमारे हमाद भाई अभी ड्राइव करेंगे, इनके साथ हम बैठते हैं फिर आपको ना। इतनी इज्जत दे रहा भाई, मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहा है। खोल दे बेटा, मेहरबानी सर। चलाएगा? तो भाई इस व्लॉग में बस इतना ही। ईद का तीसरा और चौथा दिन मैंने मिक्स कर दिया इसमें, क्योंकि तीसरे दिन का व्लॉग इतना आना बड़ा नहीं बना था, इस वजह से चौथे दिन ये हमाद भाई भी आ गया। बड़ी मेहरबानी भाई आप आए। थैंक यू, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लाइक करो, उस्मान भाई को शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना। इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।